हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब। एंड आई होप आप सभी ने बी वर्ब के फर्स्ट पार्ट ट्यूटोरियल को तो ज़रूर देखा होगा, जिसमें मैंने बी की बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म को एक्सप्लेन किया है। आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। बी वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, जिसमें हम वॉज एंड वर्ब का यूज़ करते हैं और इसे बी वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम पास्ट फॉर्म वॉज एंड वर्ब का यूज़ एज अ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट सेंटेंस, शी वॉज इन कैनेडा लास्ट ईयर, यानी वह पिछले साल कैनेडा में थी। इस सेंटेंस में हमने उसके कैनेडा में होने के लिए पास्ट टेंस में वॉज का यूज़ किया है। देखेंगे अगला सेंटेंस, दे वर बिजी इन दियर वर्क, यानी वे अपने कार्य में व्यस्त थे। यहाँ पर उनके व्यस्त होने के लिए हमने पास्ट टेंस में वर का यूज़ किया है। याद रहे, जब भी सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहाँ पर हम वॉज, और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो वहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स से मतलब नाउन और प्रोनाउन से है। आइए देखते हैं बी वर्ब की अगली फॉर्म, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें हम बीन का यूज़ करते हैं और इसे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स में किस प्रकार हम बीन का यूज़ सेंटेंसेस में करेंगे। सेंटेंस देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। इस सेंटेंस में हमने हैज़ ऑक्सिलरी के साथ बीन वर्ब का यूज़ किया है। ये दोनों ही यहाँ पर वर्ब हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही हैं। इसके बाद सेंटेंस में रेनिंग वर्ड का यूज़ हुआ है और रेनिंग यहाँ पर एक मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया है। लास्ट में सिंस मॉर्निंग लगाया गया है। अब यहाँ पर सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, अतः कहा जा सकता है कि ऐसे सभी सेंटेंसेस जहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ ऑक्सिलरीज के साथ बीन का यूज़ किया जाता है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से बारिश हो रही है। इस सेंटेंस में हमने फॉर का यूज़ किया है। जी हाँ, फॉर का यूज़ उस समय किया जाता है जब हम इनडेफिनिट टाइम की बात करते हैं, जैसे 3 आवर्स, 2 आवर्स, 3 डेज, 2 डेज एट्सेट्रा। लेकिन इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने सिंस का यूज़ किया है, वो इसलिए क्योंकि हम वहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, 2 o'clock, 3 o'clock एट्सेट्रा। अतः कहा जा सकता है कि जब भी हम सेंटेंसेस में पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि और पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु की बात करते हैं, तो वहाँ ऑक्सिलरीज के साथ बीन का यूज़ किया जाता है टेंसेस के अकॉर्डिंग। नाउ वी हैव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ द टेंसेस। जी हाँ, हमारे पास यहाँ 3 टेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम हैज़ एंड हैव ऑक्सिलरीज के साथ बीन लगाते हैं। सेकेंड टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम हैड के साथ बीन का यूज़ करते हैं। और लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का यूज़ करते हैं। सो एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जब भी कभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के सेंटेंसेस में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरीज के साथ बीन का यूज़ किया जाएगा। आई होप आप सभी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब का यह सेकेंड पार्ट ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Thanks for watching the video. Take care and bye-bye.